नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है, तो कितने पदों पर भर्ती होगी, तो उसकी प्रक्रिया कब क्या होगी, उसका फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो उसमें क्या क्या अनिवार्य है, इससे संबंधित पूरी जानकारी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, या नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है, तो आज ही जारी हुआ है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो LDC की भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहे, तो वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, इसके अलावा जो हाल ही में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, तो उसकी चर्चा करते हैं। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस पर उन्होंने जो घोषणा की है वो देख लेते हैं। तो ये अशोक गहलोत के ट्वीट किया है कि हमने अब इन 2000 पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों में और अधिक गति मिलेगी। तो ये अशोक गहलोत ने दोस्तों ट्वीट किया है, तो उनका इस भर्ती जारी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो ट्वीट है वह देखते हैं, वह है कि हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी, तथा इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, गौर मतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं करवा सकी थी गवर्नमेंट। अब इसमें पद बढ़ाकर 3835 पदों पर अशोक गहलोत ने इसकी सूचना दी है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तब वीडियो को लाइक एवं सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि हम जल्द ही हमारे इस चैनल पर पटवारी का एक विशेष बैच चलाने जा रहे हैं, तो उस बैच के में जैसे भर्ती की ऑफिशियल फॉर्म शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बैच शुरू करेंगे, तो संपूर्ण कोर्स हम इस पर करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट देखते हैं कि पुलिस मुख्यालय 9306 पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें से दोस्तों 8600 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी। यानी राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। उन्होंने 8600 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा जो 706 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जारी होती है, इसकी सूचना दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से मिल जाएगी। अब चर्चा करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है दोस्तों, कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ में दिया गया है कि मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती की। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो जयपुर 13 जुलाई को ये जारी हुआ है। तो राज्य सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों, गौर मतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन 2000 पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। इससे दोस्तों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों की और अधिक गति मिलेगी। ये हमने गहलोत साहब के ट्वीट में पढ़ा था, तभी नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। इसके अलावा जो भर्ती है दोस्तों, वह कनिष्ठ लिपिक की, उसमें 801 पदों पर के लिए जो संशोधित अर्थना है उसको मंजूरी मिल गई है। यानी 801 पदों पर कनिष्ठ लिपिक की भर्ती भी आने वाली है जल्दी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दोस्तों कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के 5% और सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना में संशोधन किया गया है। अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा जो भर्ती है दोस्तों, वह छबड़ा और कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 पद सृजित होंगे, जिनकी घोषणा दोस्तों हाल ही में बजट में की गई है। छबड़ा और कालीसिंध जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 से 6 एवं कालीसिंध थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट की यूनिट 1 एवं 2 के लिए विभिन्न पद संवर्ग में 220 पदों के लिए पदसर्जन की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालय कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक,
तथा टेक्निकल वर्कमैन के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन परियोजनाओं के विनिवेश का निर्णय किया था, जिसके चलते इन परियोजनाओं में नए पदों को सृजन को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस परियोजनाओं को बेहतर स्थिति को देखते हुए इसका विनिवेश नहीं करने का निर्णय लिया है तथा नए पदों के सृजन पर स्वीकृति प्रदान की है। तो ये दोस्तों जो घोषणा थी जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, ये संपूर्ण घोषणा हमने पढ़ दी है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि पटवारी भर्ती के लिए जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी, फॉर्म शुरू होंगे, तुरंत आपको इसका वीडियो बनाकर आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए दोस्तों आपने यदि RKCL का कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप जल्द ही कर लें, क्योंकि वो भी इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य माना गया है। तो पटवारी भर्ती में कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होगा। पटवारी भर्ती की कितनी योग्यता है, कितनी फीस होगी, उसका संपूर्ण जो सिलेबस क्या होगा, उसका वीडियो भी हम जल्द ही इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए, चैनल को लाइक और सभी के साथ शेयर कर दें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।